पीयूष से कह दीजिएगा आपकी ऐसे ना आए, जो कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। मुंह पर लड़ाई करेंगे हम। खाली सास वो हमारी नहीं, उनकी भी सास है, करोड़पति है, लेकिन दिल दो कौड़ी का है उनका। हाँ भाभी, हमने कह दिया है। जानती है हमारे मियाँ की कमाई नहीं है, लेकिन कभी चार पैसे की मदद नहीं करी हमारी। ईद बकरीद कभी पूछा नहीं कि बच्चों के कपड़ों के लिए पैसे चाहिए कि नहीं। हाँ वो तो है। चलो ये भी ठीक है, हमारे लिए नहीं करें कोई बात नहीं, कम से कम अपनी सास के लिए तो करें। अल्लाह ताला ने सारे फर्ज हमारे ऊपर उतारे हैं, क्या खिदमत के। हाँ इसीलिए तो अम्मी दुआएं देती हैं आपको। 20 साल हमारी साथ हमारे यहाँ रही, जब तक ठीक थी, जैसे ही बीमार हुई वैसे ही फौरन दिमाग लगा दिया इन्होंने, ले गई। डर है ना कहीं जो है कुछ हो जाएगा तो सारे जेवर हम लोग रख लेंगे। अरे हम लोग गरीब हैं लेकिन गलीज नहीं है भैया। और देखो वही हुआ, 15-15 दिन रहेंगी दोनों जगह, यही बात हुई है। अम्मा को लेने आई थी, फटाक से जाके बक्सा उठाया है, 10 साल की लड़की अम्मा को संभाल नहीं थी, ये बक्सा पकड़ी हुई। अल्लाह तौबा, कह देना शराफा से अम्मा को मेरे यहाँ पहुँचा दे। नहीं आप परेशान ना होइए भाभी, हम कह देंगे। एक टाइम का खाना दे नहीं, हमें सब पता चल रहा है। 20 साल का कोई नाम नहीं, 4 दिन से रह ली अम्मा इनके यहाँ, तो सारे खानदान को दिख रहा है कि अम्मा वहीं है। आप भी लगी लिपटी बात ना करिएगा, साफ कहिएगा कि अम्मा को पहुँचा दें, हम कर लेंगे खिदमत। हम लालची नहीं है, लेकिन जो है हक की बात करे उनसे कहिए, जेवर तो हम लेने नहीं देंगे उनको, हो चाहे जो जाए। दोनों कमबख्तों को जेवर की पड़ी है, मेरी अम्मा जान से जा रही है।